नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार्ट इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो ऐसे शेयर बताने वाला हूँ जिन दोनों शेयर की गुड न्यूज़ आई है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है। दोनों शेयर अपने शेयर होल्डर को मालामाल करने वाले हैं। एक शेयर जो है इसमें से बोनस दे रहा है, एक स्टॉक स्प्लिट दे रहा है। दोनों की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। उससे पहले डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक दिया गया है एंजल ब्रोकिंग का। लिंक पे क्लिक करें, तुरंत अकाउंट ओपन करें। और सबसे बड़ी बात यह, यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग जो है 0 रुपीज़ आप लोगों से चार्ज किए जाते हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए, यानी कि कोई भी रुपया आप लोगों से चार्ज नहीं किया जाता है। सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई भी पैसा आप लोगों से चार्ज नहीं किया जाता अगर आप डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन करते हैं। और इंट्राडे के लिए 20 रुपीज़ पर ऑर्डर चार्ज किया जाता है एंजल ब्रोकिंग में। तो लिंक पे क्लिक करें, अकाउंट ओपन करें और इंजॉय करें एंजल ब्रोकिंग की सर्विसेज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो कंपनियां हैं, दोनों कंपनियों की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। उसमें से पहली कंपनी का प्राइस का चार्ट मैंने आप लोगों के सामने ये लगाया है। तो एक साल का चार्ट आप लोगों के सामने ये लगा हुआ है, देख लीजिए। मात्र एक साल पहले ये शेयर 467 रुपये पे ट्रेड हो रहा था और हाई देख लीजिए कहाँ बनाया इसने, 3447 रुपये का हाई बनाया था 24 अगस्त 2020 को। अभी थोड़ा सा करेक्शन हुआ है और करेक्शन होने के बाद भी 2819 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। करंट मार्केट प्राइस आज की डेट में भी इस पे ऑलमोस्ट 5% का अपर सर्किट लगा है। करंट मार्केट प्राइस भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये देख लीजिए, मात्र एक साल के अंदर ही इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 600% के रिटर्न्स दिए हैं अपने शेयर होल्डर को, जो कि बहुत बड़ी बात होती है 600% के रिटर्न देना। और ऊपर से बोनस भी दे रहा है और बोनस की डेट जो है 30 सितंबर 2020 है। बोनस की डेट भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले मैं कंपनी का नाम बताना चाहता हूँ। कंपनी का नाम क्लियरली आप लोगों को दिख रहा है, आरती ड्रग्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, आरती ड्रग्स लिमिटेड कंपनी का नाम है। और ये देख लीजिए करती क्या है कंपनी। आरती ड्रग्स इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, फार्मा इंटरमीडिएट्स, स्पेशलिटी केमिकल। मतलब एपीआई बनाती है ये, फार्मा इंटरमीडिएट्स बनाती है और स्पेशियलिटी केमिकल्स बनाती है। ज़बरदस्त ये कंपनी है, अच्छे खासे इसने रिटर्न्स दिए हैं और बोनस ये कंपनी दे रही है। आपके 1000 शेयर को 3000 शेयर में कन्वर्ट ये कंपनी कर रही है। और विप्रो जैसा बोनस मैं कहूँगा इसको, क्योंकि विप्रो कंपनी भी इसी तरह के ज़बरदस्त बोनस देती है। और विप्रो कंपनी ने करोड़पति बना दिया है अपने शेयर होल्डर को केवल बोनस दे दे के ही। उसी के पद चिन्हों पर ये फार्मा जो कंपनी है चल रही है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए तो 6569 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी का। करंट मार्केट प्राइस थोड़ा सा ये इग्नोर कीजिएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा करंट मार्केट प्राइस। 52 वीक का अगर हाई देखा जाए तो 3724 रुपए का और 52 वीक का लो 421 रुपए का। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखा जाए तो 32 का है, जो कि मेरे थ्रेशोल्ड से ऊपर है। लेकिन जब कंपनी अच्छा खासा बोनस दे रही हो और बोनस की डेट जो है पास में है, अपने शेयर होल्डर को मालामाल करने वाली है, तो ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए आप लोगों को। डिविडेंड यील्ड कुछ खास नहीं है, 0.02% की है, लेकिन कंपनी के रिटर्न्स के रेशियो आप देख लीजिए। आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर देखेंगे कंपनी का तो 20% से ज़्यादा का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 23% से ज़्यादा का। सेल्स ग्रोथ ऑलमोस्ट 15% की है पिछले 3 सालों का एवरेज। तो ज़बरदस्त ये कंपनी परफॉर्मेंस देती चली जा रही है। अगर डेट देखेंगे कंपनी के ऊपर तो 388 करोड़ रुपए का डेट है। और प्रमोटर की होल्डिंग अगर देखी जाए तो 60% के करीब की जो है प्रमोटर की होल्डिंग है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, प्लेजिंग बिल्कुल भी नहीं की है प्रमोटर ने, यानी कि मैनेजमेंट जो है कैंडिड है, अच्छे से काम कर रहा है और बिना उधारी लिए काम चला रहा है। वहीं बात की जाए अगर 5 सालों के आरओसी के एवरेज की, तो 5 सालों का आरओसी का एवरेज 18% से ज़्यादा का और 5 सालों का रिटर्न ऑन इक्विटी का एवरेज 20% से ज़्यादा का। तो आरती ड्रग्स लिमिटेड, चलिए अब इसका करंट मार्केट प्राइस, आज की जो क्लोजिंग हुई है 2960 रुपए की इसकी क्लोजिंग हुई है आज की।
5% का अपर सर्किट लगभग ₹140 ऊपर गया। और जो मैं बता रहा था आपको कि बोनस की डेट, तो बोनस देख लीजिए कितना बोनस दे रहा है ये, 3:1, यानी कि अगर आप लोगों के पास इस कंपनी का एक शेयर रहेगा तो इस कंपनी के आपको कितने शेयर मिल जाएंगे, 3,000 शेयर मिल जाएंगे। तो ये देख लीजिए एक्स डेट कब है, 30 सितंबर 2020, यानी कि आप लोगों के डीमैट अकाउंट में 30 सितंबर के दिन ये शेयर आ जाना चाहिए। आप उसी तरह से इसको प्लान करके बाय कीजिएगा जिससे कि आप लोगों को बेनिफिट हो। तो ये पहली कंपनी आरती ड्रग्स लिमिटेड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी कंपनी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, दूसरी जो कंपनी उसका नाम है, अब इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, कई लोगों को कन्फ्यूजन होगा, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड है, ये गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड है, स्पेलिंग आप लोगों के सामने लिखी हुई है, इसी तरह से आप लोग सर्च करें आप लोगों को ये कंपनी मिल जाएगी। अब कंपनी करती क्या है, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट इज एन एग्रो प्रोसेसिंग कॉन्ग्लोमरेट विद वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एट डिफरेंट लोकेशंस इन स्टेट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एंड कर्नाटका। तो 5 से 6 राज्यों में लगभग इस कंपनी के क्या है, प्लांट हैं। और मेनली क्या करती है, जो ये एग्री के फूड है उनको प्रोसेस करती है कंपनी। और ये कंपनी जो है स्टॉक स्प्लिट दे रही है और आपके 1,000 शेयर को 2,000 शेयर में ये कंपनी कन्वर्ट करने वाली है। एक्स डेट भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, उससे पहले कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए कंपनी का तो 2,328 करोड़ रुपए का है। करंट मार्केट प्राइस देखा जाए तो 203 रुपए का इसका करंट मार्केट प्राइस है, लेकिन इसको इग्नोर कीजिएगा, अभी मैं आप लोगों को करंट मार्केट प्राइस भी इस कंपनी का बताने वाला हूँ। 52 वीक का है 222 रुपए का, 52 वीक का लो 84 रुपए का। स्टॉक का पी देखेंगे तो मात्र 14 का है, जो कि मेरे थ्रीशोल्ड से वेल बिलो है और यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। डिविडेंड यील्ड कुछ खास नहीं देती है कंपनी, 0.49% की। वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो लगभग 14% के करीब, रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट 12% के करीब, और सेल्स ग्रोथ देखें पिछले 3 सालों की तो लगभग 5% के करीब है। प्रमोटर की होल्डिंग की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे तो 63% के करीब है और प्लेजिंग बिल्कुल भी नहीं की गई है। वहीं बात करते हैं डेट की, तो कंपनी के ऊपर मात्र 147 करोड़ रुपए का डेट है और कैश इक्विवेलेंट अगर देखे जाए तो 101 करोड़ रुपए के कैश इक्विवेलेंट है कंपनी के पास। तो इस कंपनी को मैं वर्चुअली डेट फ्री कंपनी कहूंगा, क्योंकि कितना देख लीजिए, छोटी सी कंपनी है और इतने अच्छा इसका मैनेजमेंट है कि प्लेजिंग बिल्कुल भी नहीं की गई है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेटर होता है किसी भी कंपनी के लिए। अब बात कर लेते हैं 5 सालों के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो 5 सालों का कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 15% से ज़्यादा का। वहीं 5 सालों का रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं कंपनी का, तो ये भी कितना है, 15% से ज़्यादा का है। तो सारे के सारे जो इंडिकेटर हैं गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड कंपनी के पॉजिटिव हैं। इस कंपनी का अगर हम प्राइस एक्शन देखें पिछले कुछ सालों का, तो ये देख लीजिए पिछले 1 साल का जो एक्शन है ये रहा, 1 साल पहले 164 रुपये पर ट्रेड कर रही थी, डाउनफॉल हुआ 88 रुपये पे आती है और अगेन 200 रुपये का मार्क इसने क्रॉस किया है। तो रिटर्न इस कंपनी ने भी अच्छे खासे जनरेट करके दिए हैं। और 5 सालों में अगर कंपनी के रिटर्न आप लोग देखना चाहें तो 5 साल पहले मात्र ये कंपनी 51 रुपये के पास ट्रेड कर रही थी और अभी ये 220-222 के करीब ट्रेड कर रही है, यानी कि ऑलमोस्ट 400% के करीब के रिटर्न्स ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को दे चुकी है। अब रिटर्न्स के साथ साथ ये कंपनी जो है क्या दे रही है, स्प्लिट दे रही है, उसमें भी बेनिफिट होगा शेयर होल्डर को। तो ये देख लीजिए कंपनी का नाम है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड, किस किस को ये लेटर लिखा गया है, BSE और NSE दोनों को लिखा गया है, क्योंकि दोनों जगह ये कंपनी लिस्टेड है। अब यहाँ पे देख लीजिए क्लियरली लिखा हुआ है, सबसे पहले तो क्या कर रही है कंपनी, सब डिवीजन कर रही है, सब डिवीजन यानी कि स्प्लिट कर रही है, कितने को कितने में तोड़ रही है, 2 रुपए की इक्विटी वाला, 2 रुपए फेस वैल्यू वाला जो शेयर है उसको ये सब डिवाइड कर रही है 1 रुपए फेस वैल्यू वाले शेयर में। तो ये देख लीजिए आप लोग क्लियरली यहाँ पे पढ़ सकते हैं, BSE की वेबसाइट पे जाके ये लेटर आपको क्लियरली मिल जाएगा। मैं लेमैन लैंग्वेज में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। और रिकॉर्ड डेट ये देख लीजिए, रिकॉर्ड डेट है मंडे 5 अक्टूबर 2020। अब ऐसा नहीं है कि 5 अक्टूबर 2020 को ये आपने ये खरीदा और आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा, नहीं,
अगर आप लोगों को स्प्लिट का फायदा लेना है तो एटलीस्ट 5 तारीख से 2 वर्किंग डे पहले आप लोगों को शेयर खरीदना होगा। अब 5 तारीख को मंडे है तो 4 को संडे होगा, 3 को सैटरडे होगा और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती की छुट्टी होगी। तो एटलीस्ट आप लोगों को 1 अक्टूबर या उससे पहले ये शेयर खरीद लेना है, तभी जाके आप लोगों को फायदा होगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि 30 सितंबर को ही आप लोग ये शेयर खरीद लें, क्योंकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा स्प्लिट का बेनिफिट अगर आप लोगों को लेना है। तो ये 2 शेयर थे आरती ड्रग्स लिमिटेड और गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, जिनकी जानकारी मुझे आप लोगों को प्रोवाइड करनी थी। दोनों के दोनों शेयर एक बोनस दे रहा है, एक स्प्लिट दे रहा है, दोनों का फायदा आप लोग उठा सकते हैं। दोनों की जो एक्स डेट है वो भी मैंने आप लोगों को बता दी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।